Assalamu uh, dear students, so today we are going to interact with your uh, physics paper in which the topics are capacitors, CUM and inclusions. Now question number first. A condenser of capacity 10 microfarad is charged to a potential of 500 volts. Its terminals are uh, connected to uh, those of an uncharged condenser of capacity 40 microfarad. The loss of energy in connecting them together is. So the solution of this question is like this. You are having a charged capacitor whose capacitance is uh, 10 microfarad its potential is provided that is 500 volt it's a charged capacitor it's connected to an uncharged capacitor of capacitance 40 microfarad the question is uh, that when uh, we are going to connect this uncharged capacitor to this charged capacitor definitely there will be a distribution of uh, charges and therefore loss of energy the loss of energy can be directly calculated with the formula it's 1 by 2 c1 c2 डिवाइडेड बाई सी वन प्लस सी टू इंटू वी वन माइनस वी टू का होल स्क्वायेर सो द लॉस ऑफ एनर्जी हियर विल बी वन बाई टू सी वन सी टू दैट इट्स टेन इंटू फोर्टी इट्स टेन इंटू टेन रेस्ट पावर माइनस सिक्स इंटू फोर्टी इट इज फोर्टी इंटू टेन रेस्ट पावर माइनस सिक्स डिवाइडेड बाई टेन प्लस दैट फोर्टी इज फिफ्टी माइक्रोफेरेट इट्स टेन रेज पावर माइनस सिक्स मल्टीप्लाइड बाई फाइव हंड्रेड स्क्वायर बिकॉज जो दूसरा कैपैसिटर है दैट इज अनचार्ज नाउ सी इट इज टू फाइव टेन फिफ्टी टेन फोर ज इट इज़ फोर्टी तो उसके बाद आप देख लीजिए दैट डेल यू कैन भी कैलकुलेटेड लाइक दिस तो ऊपर जो बचा आप दैट इज दैट इज दैट इज फोर टू टेन रीज पावर माइनस सिक्स क्योंकि एक टेन रेज पावर माइनस सिक्स यहाँ कट जाएगा दैन यू आर लेफ्ट विथ हियर इट इज ट्वेंटी फाइव इंटू टेन रेज पावर फोर देन डेल यू इज इक्वल इट इज हंड्रेड व ट्वेंटी फाइव इंटू फोर इज हंड्रेड इट्स टेन रेज पावर टू इंटू टेन रीज पावर माइनस सिक्स इंटू टेन रेज पावर फोर तो टेन रेज पॉल टू टेन रेज पॉवर फोर इज टेन रेज पावर सिक्स टेन रेज पॉवर सिक्स टेन रेज पावर माइनस सिक्स चला जाएगा तो यू आर लेफ्ट विद वन जूल शुड भी दी आसर ऑफ दिस क्वेश्चन सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज The radius of the uh, circular plates of a parallel plate condenser is r. Air is the uh, there as the dielectric. The distance between the plates of the capacitor is equal to that of an isolated sphere of a radius r is. So very simple. you are having a parallel plate capacitor whose uh, that uh, plates are uh, that circular in shape and they are separated by some distance filled with air as a dielectric. And it is given that the capacitance of this uh, parallel plate capacitor is equal to that of a sphere of a radius r dash. So if its capacitance is equal to, parallel plate capacitor तक की जो कैपेसिटेंस होती है दैट्स एप्सिलो नॉट ए बाई डी और हमें दिया गया है ये इस uh, सुफियर के कैपेसिटेंस uh, के बराबर है दैट इज 4 पाई एप्सिलो नॉट आर डैश क्योंकि हमें पता है एक सुफियर का जो कैपेसिटेंस होता है वो आता है 4 पाई एप्सिलो नॉट आर तो इसमें वैल्यूज ड्रॉप करेंगे तो एप्सिलो नॉट एरिया ऑफ ए सर्कुलर प्लेट होता है बराबर पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी इज इक्वल टू इट इज 4 पाई एप्सिलो नॉट आर डैश तो यहाँ पे पाई और पाई निकल जाएगा एप्सिलो नॉट एप्सिलो नॉट निकल गया डी चाहिए क्रॉस करेंगे इसको बनेगा आर स्क इट इज फोर आर डैश बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन का बना हुआ है उसका रेडियस टू सेंटीमीटर एंड कैरियंग फाइव कुलम चार्ज कंबाइंड फॉर्म ऑफ बिगर ड्रॉपिटी दिस इज कल्ड कम्बिनेशन ऑफ ड्रॉप्स और आपने पढ़ा होगा दट ऑन कंबाइनिंग दोस्त

और रेडियस जो है दैट्स सेंटीमीटर तो पावर माइनस टू यहां पे आप देख लीजिए थ्री थ्री कैंसल आउट हो जाएगा टू फोर एट दस शुड बी एट डिवाइडेड बाय नीचे जो आपका नाइन है अगर हम टेन रिज पावर नाइन को ऊपर लेंगे तो ये टेन रिस्पावर माइनस नाइन की वजह से टेन रिस्पर माइनस अलेवन फरड शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन तो कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रॉप्स एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है एंड दिस इज वन दे कंबाइन दिस द टूगेट ऑफ द बिगर ड्रॉप ऑन कंबाइनिंग मनी स्माल ड्रॉप्स देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज देखिए ये इनफिनइट सीरीज ऑफ कैपेसिटर्स एंड वी हैव टू कैलकुलेट द नेट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी और हमें पता है कि ये एक कैपेसिटर है फिर ये इस uh, आर्म के साथ पर्लल पर्ल एंड पर्ल सो ऑन बट हम एक एक आर्म का देख लेंगे इसके इसकी कैपेसिटेंस जो है वो मिली फेट दिया है तो मैं मानता हूँ फिलहाल वो सी है ये दो जो है सीरीज़ में है सेम कैपेसिटेंस तो ये सीरीज़ में जो है वो सी बाई टू हो जाएगा क्योंकि कैपेसिटर्स का आपको पता है दैट वन बाई सीड वन बाई सी वन प्लस वन बाई सी टू तो उसी हिसाब से ये सी बाई टू हुआ ये चार कैपेसिटर सीरीज़ में है तो सी बाई फोर हुआ ये आठ कैपेसिटर सीरीज में है तो सी 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 बाई एट वा सो ऑन तो फिर ये सारे पर्लल में जुड़े हैं यहाँ पे क्लियरली दे आर इन पर्ल एंड वी हैव टू कैलकुलेट द इक्वलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी देर फोर द कपैसिटन शुड बी एडिशन ऑफ द इंडिविजुअल कैपैसटन दैट इज सी प्लस सी बाई टू प्लस सी बाई फोर प्लस सी बाई एट प्लस सो ऑन फिर यहाँ सी इक्वलेंट जो है आपका सी बाहर आएगा तो अंदर बचा वन प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई फोर प्लस वन बाई एट प्लस सो ऑन तो हमें पता है कि ये जो है इट इज़ कॉल्ड एज जी पी जोमेट्रिक प्रोग्रेशन और मैथमेटिक्स में इसका जो सम होता है जीपी का दैट इज ए डिवाइडेड बाय वन माइनस आर तो इसवल सी इज इक्वल सी सी जो है वो वन मिलीड है तो वन मिलीड इंटो तो ये जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म जो है दैट इज 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 ए फर्स्ट टर्म देन माइनस आर द कॉमन रेशो और इस पूरी सीरीज का जो कॉमन रेशो दैट इज वन बाई सी सीट इज इक्वल मिली देन इट इज वन माइनस जाएगा तो टू मिली फेरेड इज द राइट आंसर फॉर दिस Question 2 millifarad is the right answer for this question. Question number next is

सकता चार्ज उसमें फ्लो हो नहीं सकता तो इस पर कोई चार्ज आएगा नहीं तो आंसर शुड बी जीरो बिकॉज ऑफ ओपन सर्किट नेचर ऑफ द सर्किट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज औरड चार्ज uh, uh, है बोला जा रहा है कि अब आपने जो है स्विच टू पोजिशन पे लाया तो ये अनचार्जेडिटर के साथ माइक्रोफेरेड

क्या इसमें क्या कैलकुलेट करना है द परसेंटेज ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड इज तो हम निकालेंगे जो इस कॉम्बिनेशन का जो इनिशियल एनर्जी था जो इस कॉम्बिनेशन का इनिशियल एनर्जी है वो इनिशियल एनर्जी जो था दैट इज हाफ ऑफ सी वी स्क्र सी जो है दैट इज टू इंटू टेन रिस्ड पावर माइनस सिक्स एंड वी स्क्वायर इज पोटेंशियल स्क्वायर सो दिस इज द इनिशियल एनर्जी टू टू चला जाएगा तो इनिशियल एनर्जी इस कैपेसिटर का चार्जेड कैपेसिटर का जो है दैट इज टेन रिस्ड पावर माइनस सिक्स मल्टीप्लाइड बाई वी स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट फिर जब आपने इसको एक अनचार्जेड कैपैसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया तो इसमें क्या होगा रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड दियर फॉर लॉस ऑफ एनर्जी तो वो लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला हमने अर्लियर भी पढ़ा है अभी आपको इट इज हाफ ऑफ सी वन सी टू डिवाइडेड बाई सी वन प्लस सी टू इंटू माइनस वी का होल स्क्वायर सो द लॉस ऑफ एनर्जी हियर विल बी वन बाई टू सी आपका जो है दैट इज टू इंटू टेन रेज टू पावर माइनस सिक्स जो आपका है दैट इज एट इंटू टेन रेज टू पावर माइनस सिक्स डिवाइडेड बाई आठ प्लस होता है टेन इंटू टेन रेज टू पावर माइनस सिक्स मल्टीप्लाइड बाई मल्टीप्लाइड बाई आपका जो है वी स्क्वायर क्योंकि दूसरा अनचार्जेड है तो उसमें जो है चार्ज जीरो है तो उसके बाद आप इसमें देख लीजिए अगर आप यहाँ टू टू उड़ा देंगे यहाँ टेन रिस्ट पॉर माइनस माइनस सिक्स चला जाएगा तो डेल्यू का वैल्यू आ जाएगा एट बाई टेन इंटू टेन रिस्ट पावर सिक्स मल्टीप्लाइड बाई वी स्क्वायर इक्वेशन सेकेंड बट हमसे परसेंटेज लॉस पूछा गया तो मैं लिखूंगा डेल्यू डिवाइडेड बाई द इनिशियल इनर्जी डेल्यू आपने कैलकुलेट किया इट्स एट बाई टेन टेन रिस्ट पावर माइनस सिक्स मल्टीप्लाइड बाई वी स्क्वायर डि इडेडेडेडेडेड बाई द इनिशियल एनर्जी जो है दट इज टेन रेज पावर सिक्स मल्टीप्लाइड बाई वी स्क्वर वी स्क्वयर वी स्क्वर जाएगा टेन रेज पावर माइनस सिक्स टेन रेज पावर माइनस सिक्स और परसेंटेज के लिए जब हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो जीरो कट के आंसर आ जाएगा आपका एटी परसेंट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन तो एटी परसेंट शुड बी द राइट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज

टली इस ब्रांच में अब इस कैपेसिटर के प्लेट्स में कुछ चार्ज डेवलप होगा हमें वही चार्ज कैलकुलेट करना है वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इधर प्लेट ऑफ द कैपेसिटर उसके लिए हम क्या करेंगे हम इस लॉजिक पे चलेंगे कि जो इस कैपेसिटर का जो पोटेंशियल डेवलप होगा बिटवीन टू प्लेट्स चूंकि पर्लन में इस रजिस्टर के साथ है तो वो इस पोटेंशियल के बराबर होना चाहिए अब पोटेंशियल के लिए पहली फुर्सत में आप इस ब्रांच में करंट निकालो और चूंकि यहां तो करंट जाएगी नहीं तो करंट यहां से जाएगी और हमारे पास इक्वेशन बनेगी आई इज इक्वल टू नेट ई एम एफ इस नेट रजिस्टेंस आर वन प्लस आर दिस विलट रजिस्टेंस नेट करंट इन दर्किट तो यह नेट करंट और फिर जो इसमें पोटेंशियल है वह इस पोटेंशियल के बराबर होना चाहिए अब जो पोटेंशियल में होगा दैट विल बी पोटेंशियल इज इक्वल टू दैट पोटेंशियल हियर इन दिस ब्रांच इट इज करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस तो इट इज क्यू बाई सी इज इक्वल करंट हमने कैलकुलेट किया इट इज ई डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर मल्टीप्लाइडेड बाई आर वन प्लस आर शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन तो इट इज सी ई आर वन तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो पहले हमने इंडिकेट किया है इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपका है दैट्स इफ द कंडेंसर शोन द सर्किट इज चार्ज्ड टू 5 वोल्ट एंड लेफ्ट

next.

तो कॉमन पोटेंशियल अगर आप सर्किट में देख लेंगे तो वो होता है सी वन वी वन दैट इज सी इन टू प्लस सी टू ये अनचार्जेड है इस पे चार्ज जीरो है ये पोटेंशियल सोर्स uh, के साथ जुड़ा ही नहीं था तो इसमें हो गया जीरो डिवाइड बाय C1 वन प्लस सी इट इज C प्लस सी तो कॉमन पोटेंशियल जो इस सर्किट में होगा दैट इज सी डिवाइडेड बाई टू सी कट जाएगा और इट विल बी वी बाई तो हमें जो कॉमन पोटेंशियल मिला दैट इज अ वी बाई अब हम फाइनल एनर्जी इस पूरे सिस्टम का निकालेंगे तो फाइनल एनर्जी सिस्टम का हो गया हाफ हाफ सी सी हो गया इफेक्टिव कैपेसिटेंस और वो हो गया टू क्योंकि

ऑफ टू डिक्रीज इज फैक्टर ऑफ टू टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, द रिजल्टिंग सिस्टम जो फाइनल एनर्जी है वो डिक्रीज हुआ इनिशियल से बाय टू उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड बी आर टू कैपेसिटी टू एंड है बी नाउ दे आर चार्जिड टू पोटेंशियल के साथ जोड़ दिया और इसको छह वोल्ट बैटरी के साथ इफ दे आर नाउ कनेक्टेड पॉजिटिव अगर आपने इसके पॉजिटिव प्लेट को इसके पॉजिटिव पलेट के साथ जोड़ दिया

दैट कामन पोटेंशियल जो है वी कामन दैट इज सी वन वी वन दैट इज टू इंटू ट्व प्लस सी टू वी टू क्योंकि दे आर नाउ कनेक्टेड रीच टू ए कामन पोटेंशियल सी टू वी टू इट इज फोर इंटू सिक्स डिवाइड बाई सी वन प्लस टू प्लस फोर इट इज टू प्लस फोर तो यह हुआ ट्वेंटी फोर प्लस ट्वेंटी फोर डिवाइडेड बाई सिक्स इट इज फोटी एट डिवाइडेड बाई सिक्स एंड सिक्स एट दैट फोटी एट तो यह हो गया कामन पोटेंशियल जैसे आपके पास

बी पे चला गया तो चार्ज जो है वो A से B चला गया तो ए से बी ही ऑप्शन होना चाहिए बी तो गलत गलत है B A गलत है है so, से B ही, और कितना सर दैट विल द डिफरेंस इनिशियल 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 माइनस माइनस फाइनल जो आपका दैट्स राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवी द प्लेट्स ऑफ आइसोलेटेड पर्लो प्लेटर सी एरियाज तो आपको पता होना चाहिए अगर आप uh, दो मेटलिक प्लेट्स एक पर्लो प्लेट कपैस्टर के लेते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो नेट फील्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवी द टू प्लेट्स दट इज सिगमा बाई एप्स नॉट अब इसकी वजह से इस पर मैं फोर्स निकालूंगा तो मान लो इस पर चार्ज क्यों है तो फोर्स होगा बराबर इसका चार्ज मल्टीप्लाइड बाई जो है आपका फील्ड मगर फील्ड हम जो है वह हम एक ही प्लेट का लेते हैं एंड दैट फील्ड इज टू हेयर ठीक है क्योंकि एक प्लेट का फील्ड और दूसरे प्लेट का चार्ज तो इस प्लेट का चार्ज और इसके फील्ड में वो है तो इसका फील्ड है सिग्मा बाई टू एफ नॉट तो फोर्स हो गया एफ इज क्यों मल्टीप्लाइडा बाई बाय टू एप्सलर नॉट क्योंकि अब ऑप्शन में हमें डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में फोर्स और क्या डिपेंडेंसी निकालना है तो मैं लिखूंगा क्यू सिग्मा के बदले होगा बाद तो इट्स टू एप्सलर नॉट ए तो दिस विल बी द फोर्स एक्सपीरियंसड बाई वन प्लेट बिकॉज ऑफ अनदर और यहां पर हमें क्लियरली दिख रहा है दैट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन तो जब भी आपको फोर्स का ये निकालना हो तो इसमें तरीका ये होता है बिटवीन द टू प्लेट्स की एक प्लेट पे चार्ज लेते हैं और दूसरे का फील्ड ले लेते हैं तो क्यों इसे निकालते हैं एक का चार्ज दूसरे का फील्ड एक प्लेट का फील्ड हो गया सिग्मा बाई टू नॉट और रिजल्ट मॉडिफाई हो गया ऐसा आ गया और यह पता चला कि फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस द प्लेट्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज

हमें एप्सलन चाहिए एंड इट्स के टाइम नॉट अब हम एप्सलन निकालेंगे एंड इट इस टाइम दाइव एप्सल नॉट का वैल्यू दिया है इट इज एट पॉइंट एट फाइव इंटू टेन रिज पावर माइनस टेन Uh, तो उसके बाद इट्स टेन रिस्ट पॉल माइनस टेन तो ये हो गया एप्सलन टीवी फोर इंटू टेन रिस्ट पावर माइनस टेन और यहाँ पे दो uh, जो है के बाद आपका है अब यहाँ आंसर में जो है पॉइंट uh, तो यहाँ आप लीजिए जीरो पॉइंट फोर फोर तो जब आप यहाँ दो चले गए तो वहां जो है आपका टेन रीस्ट पावर जो है टेन रीस्ट पावर तो एप्सलन में माइनस ट्वेल्व था सॉरी एप्सलन में माइनस ट्वेल्व था माइनस ट्वेल्व है तो ये जो है माइनस टेन पे रिड्यूस आएगा सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज द इक्वलन कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन शोन द फिगर हमें इस कॉम्बिनेशन का इक्वलन कैपेसिटेंस निकालना है और इक्वलन कैपेसिटेंस के लिए हमारे पास एक तरीका है जिसको हम पॉइंट पोटेंशियल कहते हैं पॉइंट पोटेंशियल में ये स्ट्रेटजी रहती है कि हम मानते हैं कि टर्मिनल पोटेंशियल वी वन पे है, तो ये भी वी वन पे आ गया और उसकी वजह से ये भी वी वन पर आ गया क्योंकि करंट जो है वायर जो है वो शॉर्ट कर देगी मान लो ये एंड जो है वी टू पर है तो उसकी वजह से वायर इसको यहाँ शॉर्ट कर देगी वी टू ये भी वी टू हो गया ये भी वी टू हो गया और ये भी वी टू हो गया क्योंकि ये दो एंड बराबर पोटेंशियल पे तो इसमें तो बिल्कुल कोई कैपेसिटेंस होगा नहीं तो इसका जो नेट सबसे होगा वो v1 v2 में दो कैपेसिटर में दो कैपेसिटर है ये v1 है ये v2 है और उसमें दो कैपेसिटर है और दोनों जो है वो पैरेलल में है पैरेलल में है तो दोनों की कैपेसिटेंस c c है तो c इक्वलेंट हो गया बराबर 2c क्योंकि पैरेलल में कैपेसिटेंस ऐड होती है तो 2c इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज ऑन ज्वाइनिंग टू स्पैरिकल कंडक्टर्स ऑफ रेड आर वन एंड आर टू बाई कंडक्टिंग वायर द एनर्जी ऑफ सिस्टम देख लीजिए जब भी आप दो आइडेंटिकल दो सुफियर्स जो है जिनके रेडे दिए हैं आर वन और आर टू आप इनको एक कनेक्टिंग वायर से जोड़ दोगे तो हमेशा हमेशा ऐसा होगा ऐसा होगा जब आप वायर से जोड़ दोगे देर विल भी डिडिट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एंड देर फो देर विल भी डेफिनेटली लॉस ऑफ एनर्जी इन दम ऑफ हीट ठीक है तो लॉस ऑफ एनर्जी होगा बट एक्सेप्ट इन वन कंडीशन एंड दैट कंडीशन अगर इसका पोटेंशियल इसके बराबर हुआ तो पोटेंशियल होना चाहिए स्पाइकल कंडक्टर का चार्ज इज क्यू वन एंड आर वन शुडीशन मैट होती है अगर इनके पोटेंशियल बराबर हुए, तो उस कंडीशन में जोड़ने से कोई फायदा नहीं क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा नहीं और एनर्जी का लॉस होगा नहीं तो के कट जाएगा तो चार्ज देर फोर द कक्जन टू स्पय आर कनेक्टेड बाई कनेक्टिंग वायर विल बी ऑलवेज लॉस ऑफ एनर्जी एक्सेप्ट इन वन कंडीशन इफेंशियल आर इक्वेल

तो पहला चार्ज जो आपको दिखे वो पॉजिटिव है इसलिए मेरा साइन कन्वेंशन चलता है पॉजिटिव और फिर जो कि पोटेंशियल लिख रहे हैं तो पोटेंशियल मैंने चार्ज माना क्यू तो इट इज Q बाई सी क्यू बाई सी मीन्स क्यू बाई वन क्योंकि पोटेंशियल ऑन दिस इज हियर इज क्यू बाई सी एंड देन ये नेगेटिव यहां पे दिखा तो यहां माइनस टेन आ जाएगा सीधे पोटेंशियल और यहां प्लस है तो यहां आ जाएगा प्लस क्यू बाय क्योंकि चार्ज आपने क्यू ही ट्रांसफर किया बाई टू तो वी ए माइनस बी बी आपको फाइव दिया है ये हुआ इट इज थ्री बाई टू क्यू देन माइनस टेन ये फिफ्टीन इज इक्वल थ्री बाई टू क्यू थ्री फाइव फिफ्टीन फाइव टू जै टेन इट इज टेन जो है आपका क्यू है टेन माइक्रोकूलम तो जैसे आपका टेन आया अब आपको चार्ज जैसे मिला अब हम इस पर जो है इसका पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं पोटेंशियल कोई भी हो दैट क्यू बाई सी एंड क्यू आपने निकाला दैट टेन माइक्रोकुल एंड सी जो है इसका दैट वन माइक्रो फेरेड वन माइक्रोफेरेड तो ये जो है माइक्रो माइक्रो कट के तो टेन वोल्ट शुड बी द राइट आंसर दैट इज द पोटेंशियल ऑन दिस कैपैसिटर इज 10 वोल्ट इसी तरह अगर आप इस पे पोटेंशियल निकाल सकते निकालना चाहते हो तो अगेन अगेन इट इज इट इज 10 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ 5 माइक्रो कूलम इस पे भी चार्ज होगा बट हमसे C1 पूछा है तो हमने C1 कैलकुलेट किया द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट शोन बिटवीन पॉइंट्स एंड बी तो यहां पे फिर से वही पॉइंट पोटेंशियल ये मान लो V1 ये भी V1 और उसकी वजह से ये भी हो गया V1 और ये भी हो गया V1 मैं इस जंक्शन का V2 मानता हूं तो ये V2 पोटेंशियल पे V2 पोटेंशियल पे ये V2 पोटेंशियल इसको पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक कहते हैं दिस इज v3 और ये भी v3 इसके बाद आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा तो हम पॉइंट्स बनाएंगे ये हो गया आपका v1 ये हो गया आपका v2 और ये हो गया आपका v3 क्योंकि आपके पास तीन ही पोटेंशियल है और अब आप वी वन वी टू में वी वन वी टू में एक कैपैसिटर है जिसकी कैपैसिटन्स वन माइक्रोफेरेड है फिर V1, V2 में और एक कैपेसिटर है उसकी कैपैसिटंस वी वन माइक्रोफेरेड है उसके बाद आपका V2, V3 में पहले V1, V3 में या V2, V3 में आपका एक कैपेसिटर है V2, V3 में एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस है वन माइक्रोफेरेड फिर वी वन वी थ्री में फिर वी वन वी थ्री में और एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस आपको प्रोवाइडेड है टू माइक्रोफेरेड अब आप इसको आराम से सॉलू कर सकते हैं कैसे सर ये दो पैरेलल में है तो ये सीधे ऐड हो जाएंगे टू और टू इसके साथ सीरीज में है तो सीरीज कंबिनेशन में टू इंटू वन डिवाइडेड बाई टू प्लस वन तो ये हो गया टू बाई थ्री अब ये टू बाई थ्री उसके साथ पार्लल में है तो सी नेट जो आ जाएगा इट इज टू बाई थ्री प्लस टू तो इट इज एट बाई थ्री एट बाई थ्री माइक्रोफेरेड शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन पॉइंट पोटेंशियल से क्वेश्चन आपके बहुत आसान हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज थ्री कैपेसिटर्स टू थ्री एंड फाइव माइक्रोफेड कैन विद स्टैंड ऑफ दिस दिस एंड रिस्पेक्टली देर सीरीज कंबिनेशन कैन विद स्टैंड अ मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ तो आपका जो सर्किट है वो ऐसा है कि आपके पास तीन कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हुए हैं और आपको बोला जा रहा है कि कितना आप पोटेंशियल दे सकते हो कि तीनों जो है वो से बच जाए तो इस पर जो है इसका जो कैपेसिटेंस है वो है टू माइक्रोफेरेटंस थ्री माइक्रोफेरेट इसका कैपेसिटेंस है फाइव माइक्रोफेरेट और उसके बाद इसका जो पोटेंशियल है वो थ्री वोल्ट है इसका पोटेंशियल टू वोल्ट है इसका पोटेंशियल वन वोल्ट है हमें पूछा जा रहा है कि ये पोटेंशियल आप कितना दे सकते हो कि कोई भी कैपेसिटर जो है वह ब्रेकडाउन में ना आ जाए इसका जो सबसे अच्छा तरीका है सॉल्व कर का वो ये है कि आप हर एक का ब्रेक डाउन चार्ज निकालिए तो इसका जो चार्ज, uh, चार्ज दोगे तो दो कि ब्रेक डाउन हो जाए तो सी इन टूट फाइव माइक्रोकुलिमिटिंग फैक्टर में पांच माइक्रोकुल से ज्यादा चार्ज नहीं दे सकते क्योंकि अगर आपने पांच माइक्रोकुल से ज्यादा चार्ज दिया तो यह वाला कि

देखिए ये तो बिल्कुल पर्ल प्लेट कैपैसटर पॉइंट पोटेंशियल से अगर आप देखोगे वी वन हो गया तो ये भी वी वन हो गया तो ये भी वी वन हो गया अगर ये पॉइंट वी टू पोटेंशियल पे तो ये वी टू पर आ गया तो ये वी टू पर आ गया तो ये वी वन वी टू में एक कैपेसिटर हो गया वी वन वी टू में और एक कैपेसिटर जब तीन कैपेसिटर पर्ल में होते हैं तो सी इफेक्टिव होता है बराबर थ्री टाइम्स सी तो थ्री टाइम्स सी हो गया एप्सल नॉट ए बाई डी सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन थ्री एप्सलो नॉट ए बाई डी या दूसरा तरीका इसमें यह है कि इसमें शॉर्टकट है दैट इट्स एन माइनस वन दिस द फॉर्मूल

दैट हंड्रेड एट ऑरिजिन थ्री हंड्रेड ऑरिजिन पर है उसके बाद आपका पाँच सौ जो है पाँच सौ ग्राम का मास जो है वो चालीस सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है और लास्ट में चार सौ ग्राम का एक मास है चार सौ ग्राम का मास जो है वो सेवेंटी मीटर डिस्टेंस पे है हमें निकालना है पोजिशन ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द ऑरिजिन सेंटर ऑफ मास का जो है फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए दैट इज एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू प्लस एम थ्री एक्स थ्री डिवाइडेड बाई इट इज एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री अब देख लीजिए आप एम वन एक्स वन हो गया जीरो क्योंकि उसका डिस्टेंस है ही नहीं प्लस एम टू आप देख लीजिए इट इज फाइव हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई इट इज फोर्टी इट इज प्रोवाइडेड देन प्लस एम थ्री जो है आपका दैट इज फोर हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई सेवेंटी डिवाइडेड बाई पाँच प्लस तीन पाँच प्लस चार हुए नौ तीन बारह तो ये बारह सौ हो गया तो बारह सौ में दो जीरो ये दो जीरो और ये दो जीरो पहली ही फुर्सत में उड़ा दो ये हुआ टू uh, हंड्रेड ये हुआ आपका जो है फाइव फोर ज ट्वेंटी और वो हुआ टू हंड्रेड एट्टी डिवाइडेड बाय ट्व तो आपका जो ये है ये रिड्यूस होकर आ जाएगा आपका एक्स सी ओ एम जो है ये जो है आपका आ जाएगा फोर हंड्रेड एट्टी डिवाइड बाई ट्व ट्वेल्व फोर जी एटी सो फोर्टी सेंटीमीटर शुड बी द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द ऑरिजन फोर्टी सेंटीमीटर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज देखिए ये आपका जो है पर्ल प्लेट कैपेसिटर में आपने दो डायलैक्ट्रिक्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं सच दैट इज ग्रेटर देन के वन तो ये है आपका के वन ये है आपका के टू और यह दिया गया है दैट के वन जो है वो लेस देन के टू है तो आपको बोलना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेज डिस्टेंस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेज डिस्टेंस का जो है ग्राफ कैसा होगा तो आपको पता होना चाहिए कि एयर में मैक्सिमम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है होगा उसके बाद जब डायलेक्ट्रिक उसमें आ जाएगा तो फील्ड डिप हो जाएगा फिर एयर आ जाएगा तो फिर से रेस्टोर करेगा और डायलेक्ट्रिक की वजह से डिप अब जितना ज्यादा डायलेक्ट्रिक उतना ज्यादा डिप अगर आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट को देखें तो देख लीजिए एयर में जो है कुछ फील्ड मैं मान के चलता हूं तो यह है फील्ड एयर में उसके बाद जैसे डायलेक्ट्रिक आया वो डिप हुआ थोड़ा कम हुआ

बट इंपॉर्टेंट टू परसेंस माज फिट्टी एंड सिक्सटी रेस्पेक्टलीफ बोट देंथ द बोट इज थ्री मीटर एंड हंड्रेड किलोग्रामीज स्टिलीजिए एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपका कंसेप्ट बिल्कुल जो है जिसको हम तगड़ा कहते हैं आपका बहुत अच्छा चूंकि इसमें एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम में जीरो है यह एक जिसमें बोट आदमी जो है आइसोलेटेड एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो इस सिस्टम में एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होता है और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कंस्टेंट हो जाता है जब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कंस्टेंट हो जाएगा तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास विल नॉट मूव सेंटर ऑफ मास क्योंकि इनिशियली भी रेस्ट में है विल नॉट मूव इसमें आपका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल मूव नहीं करेगा इनिशली भी रेस्ट फाइनली भी रेस्ट आंसर इज जीरो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल शिफ्ट नहीं होगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इस मास इज नॉन यूनफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट ओवर द रॉड ऑफ लेंथ एल तो अगर आपके पास एक रॉड ऑफ लेंथ एल है तो हमें निकालना क्या है इसमें तो मास डिस्ट्रीब्यूटर्स लीनियर मास डेंसिटी वेरीज एज लेमडा दिया है आपको दैट्स मास पर यूनिट लेंथ इज प्रोवाइडेड द पोजिशन ऑफ सेंट्रा मास तो इन केसेज में जिनमें ऐसा सिस्टम हो आपका नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन हो तो हम इसमें इंटीग्रेशन लेते हैं और एक स्ट्रिप uh, लेके हम ये बिलीव करते हैं कि इसकी लेंग्थ डी एक्स है और उसका मास डी एम है अगर मुझे इसका मास निकालना है तो डी एम हो गया बराबर मास पर यूनिट लेंथ

इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क् हो गया एक्स क्यूब बाई थ्री फ्रॉम l डिवाइडेड बाई के बाहर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टी एक्स हो गया एक्स k के पहली फुरसत में उड़ा दो इट इज एल क्यूब बाई थ्री डिवाइडेड बाई इट्स एल स्क् बाई टू तो एक्स सी एम जो है पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर आप देखोगे तो यह आ जाएगा एल क्यूब बाई थ्री मल्टीप्लाइड बाई मल्टीप्लाइड बाई टू बाई एल स्क् तो एल स्क् एल स्क् उड़ जाएगा इट्स टू इट इज एक्स सी ओ एम इज टू बाई थ्री एल शुड बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन और आपने फार्मूला पढ़ी होगी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज़

एम 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 माइनस एम टू एम वन माइनस एम टू डिड बाई एम वन प्लस एम टू मल्टीप्लाइडी मीटर बाई से हो गया आपका एक्सलोशन अब एक्सलोशन ऑफ इच ब्लॉक तो आ गया हमारे पास बट हमसे एक्सलोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछा गया है और आपने पढ़ा होगा इट्स एम वन ए वन प्लस इट इज एम टू ए टू डिड बाई इट इज एम वन प्लस एम टू तो एम वन जो है आपका दैट इज टू के जी मास इट इज टू और फिर आपका ए वन जो है नो no डाउट वो जी बाई थ्री है वो जो है आपका देट इज़ ह टू बट जी बाई थ्री जो है वो downwards है वो डाउन है तो मैंने माइनस कर दिया देन प्लस एम टू जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो मास उसका जो है मास उसका जो है वो वन है वन है और वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैं लेता हूँ वो जी बाई थ्री क्योंकि यहाँ वैक्टर नोटेशन है तो ए वन इज़ अ वैक्टर एंड ए टू इज़ अ वैक्टर क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है तो मैंने माइनस लिखा है यहाँ और ये यह ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो प्लस लिख दिया एंड मास जो है टू प्लस वन थ्री हो जाएगा तो यहां पे देख लीजिए माइनस टू में से एक जी तो ये बनेगा माइनस जी नहीं है माइनस शोज दैट इट मूज डाउनवर्ड्स तो आपका जो सेंटर ऑफ मास है वो नीचे की तरफ जा रहा है और जी बाई नाइन डाउनवर्ड्स इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज टू पार्टिकल्स ऑफ मासज़ वन एंड थ्री के जी आर मूविंग टुवर्स ईच अदर ड्यू टू म्यूचुअल इंट्रेक्शन जैसे ही म्यूचुअल इंट्रेक्शन जैसी चीज आप सी ओ एम में सुनते हैं ना तो मीन्स फोर्स आर इंटरनल नो एक्सटर्नल फोर्स इज दियर जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं है द रिलेटिव वेलासिटी ऑफ अप्रोच इज टू मीटर बाई सेकंड सेकंड द वैलासिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज दिस तो सेंटर ऑफ मास का वेलासिटी दिया है वन द रिलेटिव वेलासिटी ऑफ अप्रोच इज दिस दें द वॉसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला वैन एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो वैन एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज जीरो वैलॉसि ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमी इज कन्स्टेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमीज कन्स्टेंट कन्स्टेंट का मतलब इनिशियली भी था जीरो पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड फाइनली भी रहेगा जीरो पॉइंट फाइव मीटर पर सेकंड जो म्यूचुअल इंट्रैक्शन उसे कुछ नहीं होने वाला है तो आंसर शुड रिमेन सेम इट इजो पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज थ्री इंट्रेक्टिंग पार्टिकल्स टू हंड्रेड हंड्रेड टू हंड्रेड एंड फोर हंड्रेड है फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन तो यह जो मूचुलोर्स ऑफ इंट्रैक्शन फिर से आ गया एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो हम लिख सकते हैं इस सिस्टम का इनिशियल मोवमेंटम इस सिस्टम के फाइनल मोवमेंटम के बराबर होगा तो दर्ड पार्टिकल जो है थर्ड पार्टिकल तो स्टॉप हो गया मूविंग एंड दफ

इज इक्वल टो ये हुआ वी आई वैक्टर जो हमें निकालना है प्लस आपका जो है यहां पे देख लीजिए आप इट इज ट्वेंटी इट इज़ जे कैप प्लस टेन के कैप इसको यहां शिफ्ट करिए हमें वी वन मिल जाएगा और वी वन देख लीजिए ट्वेंटी आई वहां से आई कुछ है नहीं तो ट्वेंटी आई कैप एज इट इज रहेगा ट्वेंटी आई कैप प्लस अगर आप देखेंगे फोर्टी जे कैप ये जब ट्वेंटी यहां आएगा तो ये माइनस हो जाएगा और बचेगा ट्वेंटी जे कैप और प्लस यहां पर जो है एटी के कैप है वो टेन के कैप है यहां आएगा तो प्लस सेवेंटी के कैप शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आएगा आपका ट्वेंटी आई कैप प्लस ट्वेंटी जे के प्लस सेवेंटी के क्या वेरी इंपॉर्टेंट uh, जो है uh, आपने इसमें जो कंसेप्ट यूज किया दैट इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल फाइनल मोमेंटम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज वन के जी स्टेशनरी बॉम्ब इज एक्सप्लोडेड इन द थ्री पार्ट्स हैविंग मासिस इन द रैशो पार्ट्स पार्टिकल्स हैविंग सेम मास मूव इन पर पर्टिकुलर डायरेक्शन विद वस्टिस थर्टी मीटर पर सेकेंड दैन द वेलास्टी ऑफ बिगर पार्ट विल भी हमें बिगर पार्ट का वालास्टी निकालना तो ये एक् एक्सप्लोजन और एक्सप्लोजन में आपको पता होना चाहिए एक्सप्लोजन में इंटरनल फोर्स इन्वॉल्व है अगेन लॉफ कंजर्वेशन मोमेंट इज वैलिड तो हम इसको तीन हिस्सों में बांट देते हैं ये हो गया मास एम ये हो गया मास एम ये हो गया थ्री एम बिकॉज ऑफ द रैशो वन वन तो ये इसलिए एम एम कर दे और ये थ्री कर दिया तो ये जो पार्टिकल है ये बोलता है थर्टी मीटर पर सेकेंड से चला गया तो मास इंट वेलासिटी हो गया मोमेंटम तो थर्टी एम और ये भी चला गया थर्टीटी से मास इंट वेलाज मोमेंटम तो आपको बोल रहा है कि थर्ड पार्टिकल किस स्पीड से मूव करेगा तो आपको पता होना चाहिए कि इन दो पार्टिकल्स का जो रिजल्टेंट होगा वैन टू वैक्टर्स आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड एंगल इज नाइन रिजल्टेंट इज रूट टू टाइम वन ऑफ द वैक्टर वन ऑफ द वैक्टर इज थर्टी एम क्योंकि मोमेंटम इज अ वैक्टर और फिर यह होना चाहिए बराबर इस मास इंटू वेलासिटी तो इसका मास जो है वो थ्री एम है तो थ्री एम इंटू वी डैश शुड बी इक्वल टू थर्टी एम इंटू रूट टू देखिए एम एम निकल जाएगा थ्री टेन ज थर्टी सो वी वीडा शुड बी टेन रू टू मीटर पर सेकेंड शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन टेन रू टू मीटर पर सेकेंड शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन अगेन अगेन बेस्ड ऑन लाव लाफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज अ बॉल इज ड्रॉप आउट हाइट फाइव मीटर द टाइम आफ्टर विच द बॉल स्टॉप रिबाउंडिंग इफ द कोपशन ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन बॉल एंड द ग्राउंड इज तो ये सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है और आपने पढ़ा होगा अपने क्लासरूम प्रोग्राम में जो टाइम होगा वो होगा टी नॉट एंड देन इट्स वन प्लस ई डिवाइडेड बाई वन माइनस ई इस फार्मूला से ये जल्दी सॉल्व होगा और ये आपने क्लास

टू बिलियर्ड बॉल्स अंडर गोया हेड ऑन क्लूजन बॉल वन टॉइस एज हवियस्ट इनिशियली बॉल द स्पीड वी टूवर्ड्स बॉल सेकंड विच इज एट रेस्ट इमिजिएटली आफ्टर द क्लूजन बॉल वेवल्स एट स्पीड ऑफ वी बाय थ्री इन द सेम डायरेक्शन व्हाट टाइप ऑफ क्लूजन एज आकर्ड अगर हमें टाइप ऑफ क्लूजन निकालना है तो हमें कोप्शन ऑफ रेस्ट निकाल पड़ेगा तो मैं इसमें यूज करूंगा इनिशियल मोमेंटम इट्स मास इज टू और वेलासिटी इसकी इनिशियली वी है प्लस ये तो रेस्ट पे है फाइनली जो टू है उसका स्पीड दिया गया क्लूजन के बाद वो चला गया वी बाई से तो यह ये मास जो है इसकी स्पीड में क्लूजन के बाद वी डैश होगी तो पहली फुर्सत में एम एम और एम उड़ा दो ये हो गया टू वी देन जाएगा माइनस वी बाई थ्री टू वी टू सिक्स टू इज फोर इट इज फोर बाई थ्रीवल टू वी डैश मतलब क्ल्यूजन के बाद वाली जो है

के साथ स्टिक हुआ तो ये परफेक्टली इन इलास्टिक लास्टन हुआ द द सिस्टम कैन बी इज तो ये जब इसके साथ चिपक गया तो आपको बोलना है कि किस हाइट तक ये मास अब जो है वो चला जाएगा दैट्स आवर क्वेश्चन वी हैव टू कैलकुलेट दिस हाइट जहां तक ये चला गया तो पहली फुर्सत में आप ये करिए तो आप ये परफेक्टली इन इलास्टिक लास्टन है हम निकालेंगे जो ये इसके साथ चिपक के फिर मूव करेगा तो इसकी वेलासिटी कितनी होगी तो उसके लिए हम इनिशियल जो है इसका आप मास जो है तो वो टेन है वेलॉसिटी इज हंड्रेड सेंटीमीटर पर सेकेंड प्लस इसका तो जीरो था इज इक्वल

अ uh, टू हो गया 12.5 डिवाइडेड बाय हो गया 10 क्योंकि ऊपर दो और नीचे दो कट जाएंगे जीरो uh, तो h बचेगा 1.25 सेंटीमीटर शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन तो किस हाइट तक ये जाएगा दैट शुड बी 1.25 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज अ बॉल इज ड्रॉपड फ्राम हाइट एच एज इट बाउंस ऑफ द फ्लोर इट स्पीड इज 80 सेंटीमीटर तो so, आपने एक बॉल को किसी हाइट से ड्रॉप कर दिया और जो स्पीड थी वो यू है और जब ये वापस रिबाउंड करती है तो इसकी स्पीड 80 परसेंट रहती है मतलब 0.8 पॉइंट एट ऑफ यू से ये ऊपर चला जाता है तो so, हमें बोलना है किस हाइट तक जाएगा तो so, आपको पता होना चाहिए पहले इसमें क्वेश्चन ऑफ़ रेस्टिट्यूशन निकालेंगे दैट्स ऑफ वेलासिटी बाई अप्रोच वेलासिटी ऑफ सपरेशन डेफिनेटली जीरो यू है क्योंकि फ्लोर तो रेस्ट पे है और अप्रोच जो है वो यू है यू और यू पहली फुरस्त में उड़ा दो तो क्वेश्चन ऑफ रेस्टिट्यूशन आया पॉइंट एट तो किस हाइट तक ये रिबाउंड करेगा मान लीजिए वो एच वन है और वो होता है ई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एच अगर ये uh, uh, जो है और एक लेता तो हम लिखते हैं e तो अकॉर्डिंगली हम पावर बढ़ाते बट यहां पहला इक्लूजन है एच वन इज इक्वल ई स्क्वायर हो गया जीरो पॉइंट एट का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एच तो आंसर शुड बी जीरो पॉइंट सिक्स फोर एच इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन जीरो पॉइंट सिक्स फोर एच इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद वेलोसिटी वी नॉट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल एट टॉप ऑफ इट्स ट्रैजेक्टरी इट एक्सप्लोड्स इनटू थ्री फ्रेगमेंट्स ऑफ इक्वल मासेस तो तीन हिस्सों में बट गया फर्स्ट फ्रेगमेंट रिट्रे इस द पाथ पहला फ्रेगमेंट वापस आया सेकंड मूव्स विद वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ दिस द स्पीड ऑफ द थर्ड फ्रेगमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो इसमें आपने क्या किया आपने एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री तो so, हमने 60 डिग्री पे इसको जो है फायर किया तो so, जब आप 60 डिग्री पे इसको फायर कर रहे हैं तो मान लीजिए इसकी वेलोसिटी थी वी नॉट जब इसकी वेलोसिटी वी नॉट थी तो टॉप तो पर हम सबको पता है इस मास का जिसका मास इसने चूंकि इसने कहा है कि इसमें तीन फ्रेगमेंट है तो मैं मानता हूं जो मास था उसका मास जो टोटल था दैट इज थ्री एम और उसकी वेलॉसिटी होगी बराबर दैट विल बी वी नॉट कॉस ऑफ सिक्सटी डिग्री वी नॉट कॉस ऑफ सिक्सटी डिग्री दैट इज वी नॉट बाई टू इसमें तीन फ्रेगमेंट्स हुए तो तीन फ्रेगमेंट्स में इक्वल uh, तीन पीसेस हुए तो एक पीस ये है दूसरा पीस ये है तीसरा पीस ये है हमसे पूछा गया है कि एक पीस वापस आ गया एक पीस वापस आ गया दूसरा ऊपर चला गया उसकी वेलॉसिटी

उसके बाद एक मास जो है एम है उसकी वेलोसिटी रिट्रेस कर दिया पाथ तो रिट्रेस हो गया वी नॉट बाई टू से वापस आया तो इट इज़ आई कैप डेफिनेटली बट विद नेगेटिव साइन उसके बाद और एक पार्टिकल है जिसका मास एम है बट उसकी वेलोसिटी दे दी गई है दैट इज थ्री वी नॉट बाई टू और उसका जो है जे कैप क्योंकि ऊपर की तरफ तीसरा पार्टिकल एम है और उसी का वेलासिटी हमें कैलकुलेट करना है तो अब आप पहली फुर्सत में यहाँ एम एम और एम और एम यहाँ उड़ा दीजिए उसके बाद जो है देखिए थ्री बाई टू और ये जब यहां आ जाएगा तो फोर वी नॉट और टू टू कट के तो ये बनेगा टू वी नॉट आई कैप और फिर टू वी नॉट आई कैप आया और वो यहां आ जाएगा माइनस थ्री बाई टू वी नॉट जे कैप और हमें मिल जाएगा v, तो मॉड ऑफ तो दिस वक्टर दैट मैग्नीट्यूड ऑनली इट इज रूट ऑफ रूट ऑफ देख लीजिए इस पर रूट आ जाएगा क्वेश्चन का स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर पहले में वी नॉट बाहर निकालता हूं इस टू पे, पे स्क्वायर आ गया तो ये बना फोर प्लस इस पे स्क्वायर आया तो ये बना नाइन बाई फोर 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 और नाइन हो गया ट्वेंटी फाइव डिवाइड बाई फोर तो ये हो गया बराबर वी नॉट और ट्वेंटी फाइव का रूट हो गया फाइव फोर का रूट हो गया टू फाइव बाई टू वी नॉट शुड बी द आंसर फाइव बाई टू वी नॉट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज बुलेट ऑफ मास एम एंड वेलोसिटी वी पास पासअर्ड थ्रो पेंडलम बॉब ऑफ मास एम तो फिर से एक पेंडलम बॉब बेस्ड क्वेश्चन है तो आपके पास एक पेंडलम बॉब है उसका मास एम है यहां से एक बुलेट आई जिसका मास एम है स्मॉल एम है तो यह मूव कर रही है स्पीड uh, वी से और पास कर रही है इससे एंड इमरज वि स्पीड वी और बुलेट जो है यहां से बाहर आ गई और बुलेट का मास एम ही और स्पीड जो है उसकी वी बाई टू हो गई है आफ्टर इमरजिंग आउट वॉट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ वी सच दैट पेंडलम बॉब विल स्विंग थ्रो ए कंप्लीट

तो इट्स एम वी माइनस एम वी बाई टू इज टू एम वी डैश तो ये हो गया एम वी बाई टू इज टू एम वी डैश तो वी डैश हमने निकाल दिया और वो बराबर है एम वी बाई टू एम जैसे मुझे वी डैश पता चला बट वी डैश का वैल्यू जो है वो इस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस फॉर दिस टू कंप्लीट अ कंप्लीट सर्कुलर पाथ शुड बी रूट ऑफ फाइव जी एल तो रूट ऑफ फाइव जी एल शुड बी इक्वल्ट एम वी डिवाइडेड बाई टू एम हमें वी ही निकालना है तो वी जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो टू एम ऊपर जाएगा सम्माल एम नीचे आएगा रूट ऑफ फाइव जी एल शुड भी द आंसर टू एम ऊपर नीचे एम और रूट ऑफ फाइव जी एल शुड भी द राइट ऑप्शन फॉर दिस ऑप्शन नंबर फोर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज़ पार्ला प्लेट कैपेस्टर है फील ई इपेसटर इज तो आपको पता होना चाहिए एनर्जी स्टोर्ड का फार्मूला होता है एनर्जी डेंसिटी आप बात करें पहले तो हाफ ऑफ एप्सल नॉट ई बट एनर्जी डेंसिटी होता है एनर्जी बाई वॉल्यूम तो मैं लिखूं बाय वॉल्यूम वॉल्यूम हो गया बराबर ए इंटू डी क्योंकि द प्लेट्स एरिया जो है मैं मानता हूं ए और डिस्टेंस उनके बीच में है डी इज इक्वल हो गया हाफ ऑफ एप्सल नॉट ई क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो इनर्जी सिर्फ इस बार निकालनी है तो हाफ ऑफ एप्सलॉट ए इंटू डी शुड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन तो वी है्यूम नीचे लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका आंसर बाहर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज पार्टिकल ऑफ मास थ्री एम प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एट 2m विदेंटलटल स्मॉलर मास कम्स टू रेस्ट लार्जर मास फाइनली फ दट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन वायर एक्स इज इक्वल तो कहानी कुछ इस तरह की है कि आपने एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया एट समल थीटा जब आपने इसको एट समल थीटा फायर किया विध समय टॉप पॉइंट पे टॉप पॉइंट पे तो वेलास्टी हम सबको पता है वो यू बाई टू ही होती है तो इसके जो है दो फ्रेगमेंट्स हुए दो फ्रेगमेंट्स हुए क्योंकि थ्री एम मास था थ्री एम मास था और थ्री एम में क्या हुआ आप थ्री एम में इसके दो पीसिस हुए एक छोटा एम और दूसरा जो है दूसरा जो टू एम वाला बड़ा मास जो है टू एम वाला मास जो है वो आगे चला गया तो टू एम मास वाला जो हिस्सा है वो अगर आगे चला गया एम छोटा मास रेस्ट पे आके सीधे नीचे गिरेगा तो टॉप पोजिशन पे सीधे गिरने का मतलब ये इसको बाइसेकट करेगा तो यहाँ से यहाँ तक रेंज जो है वो आर बाई टू होना चाहिए और यहाँ से यहाँ तक भी रेंज जो है वो आर बाई टू ही होगा और फिर फिर चूँकि एक्सप्लोजन इंटरनल हुआ आइसोलेटेड सिस्टम है तो ये टू एम मास जो है वो कुछ आगे गिरेगा इस डिस्टेंस पे तो हमें ये डिस्टेंस जो है मैं मानता हूँ फिलहाल ये जो है ना ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक

x डैश तो यहाँ एम एम उड़ गया तो x डैश आपका r बाई फोर आ गया बट हमें x डैश नहीं चाहिए हमें यहाँ से डिस्टेंस चाहिए तो अगर x डैश आर बाई फोर है तो प्लस हम r करेंगे तो आपका नेट जो x डिस्टेंस है दैट इज़ r प्लस आर बाई फोर सो आंसर शुड बी फाइव बाई फोर आर क्योंकि ये r बाई फोर है प्लस r आंसर शुड बी फाइव बाई फोर आर एंड दैट इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर जो है थर्ड इज़ द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज़ फाइंड द इक्वल कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी हमें इक्वलन कैपेसिटेंस फिर से अगर आप देखेंगे आ, हम पॉइंट पोटेंशियल से तो कर सकते हैं बट जब भी पांच कैपेसिटर्स का अरेंजमेंट आ जाए तो चेक करिए कहीं वीट स्टोन ब्रिज ना हो।, हो तो अगर आप देखेंगे वन बाई टू हो गया वन बाई टू और ये टू बाई सिक्स जो है आपका फिर से आ, ये वीट स्टोन ब्रिज की तरफ लीड कर रहा है तो अगर ये वीट स्टोन ब्रिज की तरह लीड कर रहा है या अगर आप देखेंगे इट्स वन टू इट इज टू एंड सिक्स तो इट इज टू फोर इट इज़ वन फोर तो फिर यह फाइव माइक्रोफेरेट का कैपेसिटर है आप पॉइंट पोटेंशियल से इसको फिर से जोड़ दीजिए जैसे अर्यरली मैंने दिखाया तो ये वी वन हो गया ये भी वी वन हो गया ये आपका वी वन हो गया तो फिर उसके बाद अगर मैं मानता हूँ ये वी टू दिस इज वी टू हेयर एंड दिस इज वी टू दिस इज वी थ्री दिस इज वी थ्री एंड दिस इज वी फोर हेयर तो वी फोर हेयर एंड अगेन दिस इज वी फोर जब आपको सॉलोव करेंगे अगेन बाई ड्राॅंग दैट सर्किट तो इसका आंसर जो है आपको डायरेक्टली मिल जाएगा एंड द आंसर ऑफ द्वेश्चन इज टू पॉइंट टू फाइव बाई यूजिंग द पॉइंट पोटेंशियल क्योंकि इस

देट इज़ आई कैप प्लस दैन इट इज़ टू जे कैप प्लस हो गया आपका बच्चों यहाँ के कैप दैन प्लस जो है आपका एम टू एम टू अगर आप देखेंगे थ्री और उसके बाद आपका माइनस थ्री आई कैप देन इट इज माइनस टू जे कैप देन इट इज प्लस के कैप डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू तो इट इज़ थ्री प्लस वन इज़ फोर अब आप इसको सॉल्व करिए ये हुआ आई कैप माइनस थ्री आई कैप इट्स माइनस टू आई कैप उसके बाद नहीं नहीं पहले इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इट इज़ आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस के कैप देन इट्स माइनस नाइन आई कैप देन माइनस सिक्स जे कैप देन प्लस थ्री के कैप डिवाइडेड बाई फोर तो यहाँ पे आ जाएगा नाइन माइनस वन नाइन माइनस वन हो गया माइनस एट आई कैप देन सिक्स माइनस टू इट्स माइनस फोर जे कैप देन प्लस इट इज फोर क्वेश्चन सिस्टम फ्रॉम फाइव के जी पार्टिकल इज नियरली मान लो यहां पर कहीं सेंटर ऑफ मास है और हमें फाइव के जी से उसकी डिस्टेंस निकालनी है तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए uh, जो इस मास से अगर आपको डिस्टेंस निकालने तो अपोजिट मास डिवाइडेड बाय डिडेड बाई समाइव प्लस टेन मल्टीप्लाइड बाई नेट डिस्टेंस दैट इज़ वन मीटर आंसर सेंटीमीटर्स में है इसलिए मैं हंड्रेड मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो एक्स हो जाएगा बराबर टेन डिवाइडेड बाय फिफ्टी मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड तो दैट इज नियरली इक्वल टू दैट इज नियरली इक्वल टू सिक्सटी सेंटीमीटर ये सिक्सटी आएगा सिक्सटी तो हम निकाल सकते हैं एक्स जो है सिक्सटी सेंटीमीटर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन अगर आपको इस मास से निकालना होता तो आप लिखते अपोजिट मास फाइव डिवाइड बाई सम Mass is multiplied by 100. Question number next is.

Be the right answer of this question. Option number third is the right option for this. Question number next is. देखिए फॉर द मैक्सिमम एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विच इज करेक्ट तो एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तो आपको पता होना चाहिए एक्सेलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है नेट फोर्स डिवाइडेड बाई नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइड बाई नेट मास क्योंकि वो किसी पोजीशन पर डिपेंडेंट नहीं है कि कहां पर आप अप्लाई कर रहे हैं सिर्फ इतना दिया है कि नेट फोर्स बाई नेट मास तो आप फोर्स कहीं पर भी यूज करिए तो आंसर इज नो रिलेशन बिटवीन एच एंड आर आप कहीं पर भी फोर्स अप्लाई कीजिए एक्सलेन विल बी सेम इन एवरी केस क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज अ ब्लॉक ऑफ मास जीरो पॉइंट फाइव केज इज मूव विद स्पीड ऑफ टू मीटर पर सेकंड ऑन अ स्मूथ सर्फिस इट्स सिंगल बॉडी एनर्जी तो आपको पता होना चाहिए निकाल सकते हो वन बाई टू एक पार्टिकल का मास है पॉइंट फाइव दूसरे पार्टिकल का मास वन फिर से इट इज फाइव प्लस मल्टीप्लाइड बाई एक ही पार्टिकल का वेलॉसिटी है और वो है वो है वो है वो दिया गया है कितना दिया गया है टू टू

सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स एंड एम टू पार्टिकल्स ऑफ मास एम वन इज पुश टूवर्ड द सेंटर तो इसको पुश किया आपने इज पुश द सेंटर ऑफ मास डिस्टेंस डी आपने इसको डिस्टेंस डी से पुश किया टूवर्ड्स राइट तो फिर पूछ रहे बट बाई वट डिस्टेंस वुड द पार्टिकल ऑफ मा एम टू मूव सो एज टू कीप देंटर ऑफ मास तो सेंटर ऑफ मास को ऑरिजिनल पोजिशन पर रखने के लिए डेफिनेटली इसको कुछ एक्स यहां आना पड़ेगा तभी जाकर ऐसा होगा तो फिर हम क्या लिखेंगे हम लिखेंगे एम वन डी क्योंकि राइट की तरफ है माइनस इसको आपने लेफ्ट की तरफ तो यह एम टू एक्स शुड भी इक्वल टू जीरो इन की शुड बी इक्वल टू जो एक्स है वही कैलकुलेट करना है इट्स एम वन बाई एम टू मल्टीप्लाइडिशन ऑप्शन क्वेश्चन के जी तो इनिशियली भी रेस्ट पेलीशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम तो इनिशियल मोमेंटम जो है वह जीरो है फाइनल मोमेंटम

स्ट्रक्चर इंडक्म एक्सटेंशन तो याद रखिए इंपॉर्टेंट जब यह मैक्सिमम एक्सटेंशन और मैक्मेशन की बात करते ना हम तो यह होता है illusion, उस वक्त यह दोनों बॉडीज एक साथ मूव करेंगी क्योंकि मैक्सिमम एक्सटेंशन मैक्मेशन के वक्त मूव करेंगे तो इट इज वट वी कैन रिलेटेडलीयर फोर इसमें जो आपको निकालना है मैक्सिम एक्सटेंशन देरफोर लॉस इन काइनेटिक इनर्जी हेयर क्योंकि इज ईक्वल्ड हियर गेन इन पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग मास सिस्टम में ऐसा आप लिख सकते हैं गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ना लॉस इन काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला आपके पास है दैट इज हाफ ऑफ एम वन एम टू एम वन एम टू हो गया थ्री इंटू सिक्स डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू हो गया नाइन और फिर यू वन माइनस यू टू का स्क्वायर प्रॉपर साइन के साथ चूंकि लेफ्ट की तरफ तो माइनस वन फिर माइनस यू वन माइनस यू टू इट इज टू का होल स्क्वायेयर इज इक्वल्ड गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ ऑफ के के का वैल्यू दिया आपको 200 3, uh, 3, 3 तो हंड्रेड मल्टीप्लाइड हो गया 9 is equal to 1 डिवाइडेड बाई टू हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क् और फिर जब एटीन बाई टू हंड्रेड तो उसके बाद इसका जो है अगर आ, आप इसका रूट लेंगे अगर आप इसका रूट लेंगे 18 बाई टू तो आपका जो है वो रिड्यूस होकर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर से मैक्सिमम एक्सटेंशन फिर से मैं बोलूं, जब ये परफेक्टली ये जो मैक्सिमम एक्सटेंशन मैक्सिमम कंप्रेशन के वक्त ये परफेक्टली इन लास्टिक कक्लूजन की तरफ बिहेव करता है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज गेन इन पोटेंशियल एनर्जी अब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ एम वन एम टू एम वन एम टू हो गया आपका थ्री इंटू सिक्स डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू हो गया थ्री प्लस सिक्स हो गया नाइन और फिर विलास्ट इज यू वन माइनस यू टू प्रॉपर साइन के साथ चूंकि लेफ्ट है तो माइनस वन या राइट है तो माइनस अपना और फिर टू का होल स्क्वायर इज इक्वल गेन इन पोटेंशियल एनर्जी हाफ ऑफ के के आपको 200 दिया है एंड मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर फिर आपने क्या किया यहाँ पे यहाँ कैंसिलेशन करके आपका जो एक्स है दैट विल गेट रिड्यूस टू 30 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नाउ क्वेश्चन नंबर लास्ट इज क्वेश्चन नंबर लास्ट इज इज़ इन द एडजॉइनिंग सर्किट द कैपेसिटी बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बीज तो इसमें क्या करना है आपको फिर से वही पोटेंशियल टेक्निक टेक्नीक मान लो यह पोटेंशियल वी वन है तो अगर ये वी वन है बच्चों तो फिर फिर यहाँ पे देख लीजिए वी वन आ गया तो यहाँ पे भी यह वी वन आ गया और फिर अगर मैं ये मानता हूँ वी टू है तो ये सारा वी टू है और ये सारा वी टू है आप देख लो वी वन वी टू में ये दो कैपेसिटर सीरीज़ में है तो सी बाई टू हो गया इसी तरह अगर आप देखोगे वी वन वी टू में ये दो सीरीज़ में है तो सी बाई टू हो गया वी वन वी टू में ये सीरीज़ में है तो दैट अगेन सी बाई टू हो गया वी वन वी टू में ये भी है तो सी बाई टू हो गया तो फिर ये पर्ल में जुड़े हैं तो सी इक्वलेंट हो गया बराबर सी बाई टू प्लस सी बाई टू प्लस सी बाई टू प्लस सी बाई टू इट इज़ फोर टाइम्स सी बाई टू तो फोर टाइम्स हर एक की कैपेसिटी सी है तो सी बाई टू सी बाई टू सी बाई टू इट इज़ सी बाई टू इट इज़ फोर टाइम्स सी बाई टू फोर टाइम्स सी बाई टू 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 फोर आंसर शुड बी टू सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड दिस कंप्लीट्स यूर इंट्रैक्शन फॉर टूडे थैंक यू सो मच